हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है IGS इंजीनियर चैलेंज। आज मैं आपको बताऊंगा कि जो काइन मास्टर में लोग मोबाइल में यूज करते हैं उसमें अनसपोर्टेड फाइल आता है तो क्यों आता है। अगर आप मोबाइल से कोई भी वीडियो रिकॉर्डिंग करके अगर आप काइन मास्टर में एडिट करते हैं तो कोई इशू नहीं आएगा, उसमें सिर्फ फाइल फॉर्मेट का इशू है। जैसे आप लैपटॉप में कोई भी सॉफ्टवेयर रिकॉर्डिंग के लिए यूज करते हैं तो उसमें क्या है कि उसका एक्सपोर्ट फाइल MKV फाइल बन जाता है। वही चीज़ अगर आप MP4 में एक्सपोर्ट करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा। जैसे मैं ये सॉफ्टवेयर यूज कर रहा हूँ, ये देखिए मैंने क्लिक किया स्क्रीन रिकॉर्डिंग, जैसे कोई भी एप्लीकेशन, ये देखिए जैसे यहाँ पे ऑन हो गया, मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दिया, ठीक है, मांग रहा है, ये देखिए जैसे वीडियो रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए हमारा वीडियो रिकॉर्डिंग चल रहा है, ठीक है, जैसे कुछ भी मैं इसमें कर रहा हूँ। अब इसको मैं बंद कर दे रहा हूँ, यहाँ पे देखिए बंद कर दिया मैंने। अब ये देखिए ये आ गया हमारा इसका फाइल जो रिकॉर्डिंग अभी मैंने डेस्कटॉप में किया है, ठीक है। अब ये देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, ये देखिए हमारा MKV फाइल। अगर ये फाइल आप काइन मास्टर में यूज करना चाहेंगे तो ये कभी नहीं होगा क्योंकि काइन मास्टर MP4 ही सपोर्टेड है। तो आप कुछ नहीं है, देखिए एक्सपोर्ट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए नॉर्मली, और यहाँ पे हमारे पास देखिए कई फॉर्मेट है, MKV, MP3, GIF, ABI, ABI भी नहीं सपोर्ट करता है काइन मास्टर, तो आप सिर्फ MP4 ही कीजिए, ठीक है। MP4 को एक्सपोर्ट कर दीजिए, ये देखिए, ठीक है दोस्तों, ये सेव का ऑप्शन आया, मैंने सेव कर दिया, ये हो गया सो इन फोल्डर, ये देखिए ये हमारा आ गया MP4। इसको आप इजीली मोबाइल में एडिट कर सकते हैं काइन मास्टर सॉफ्टवेयर में। सो थैंक यू, धन्यवाद।